जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार ये क्या दिखा दिया इन लोगों ने, सो समथिंग लाइक दैट। ओके, जैसे आपने कहा मतलब क्या ये फिल्म हंटर से भी कंपेयर हो? सर ये तो जवाब आपको डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर दे सकते हैं या हमारे प्रोड्यूसर दे सकते हैं। देयर बी यू नो देयर बी एन एज यू नो टीन एज देन देयर बी कंपैरिजन विद हंटर, क्या हंटर की याद दिलाई देन रीसेंट वन व्हिच इज वन माय फैंटम फिल्म का रॉक का शिप आई होप यू सर। ये जब मूवी देखेंगे ना आपको लगेगा कि हम एक स्टोरी देख रहे हैं, कोई चीप नहीं लगेगा, आप लगेगा यस यार ये एक रियलिटी है, मतलब यस ये चीज़ है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सुधरेगी इससे, जो जिस चीज़ से हम अभी अनअवेयर हैं तो वो चीज़ आई थिंक लोगों को पता चलेगी और बहुत कुछ चेंज हो सकता है इस मूवी के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की फिल्म और प्लीज मुझे बताइएगा अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ तो, ये सेक्स एजुकेशन पर टाइम आप फिल्म कर रहे हैं वो जानना चाहूँगा, और ये आइडिया और एक फिल्म मेकिंग इज ऑलवेज अ सीरियस बहुत सीरियस बिजनेस है, इस तरह के सब्जेक्ट को क्यों चुना आपने? आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेप केस चल रहा है, ठीक है, टीनएजर्स से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेप केस चल रहा है, ठीक है, और टीनेजर से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सेक्स एजुकेशन मिली नहीं है, और स्कूल कॉलेज में जो सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए वो सेक्स एजुकेशन अभी दी नहीं जा रही है। क्या 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 वजह मानती हैं आप ये फिल्म करने की? आप जो प्रोड्यूसर हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि आप फिल्म का हिस्सा बने और आपने उनको प्रोड्यूस करने के लिए मांगा? नहीं कोई ऐसा होता ना कि मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये फिल्म नहीं खास बात है, इट्स ओके सो गुरु इज ऑलरेडी डूइंग अदर फिल्म आल्सो। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे को ऐसा सब्जेक्ट मिला, मैं रियल लाइफ में भी कुछ 50% ऊंचा हूँ और रियल में आई थिंक रियल लाइफ में सभी लोग ऊंचे होते हैं, कोई शो कर देता है कोई नहीं। हमेशा एक आर्टिस्ट यही सोचता है कि उसको कैसी फिल्म मिले, साफ सुथरी फिल्म। कहा गया है कि एक लड़के के जीवन में क्या क्या होता है, एक लड़के को टीनेजर 13 साल या 14 साल की उम्र से कुछ ऐसी ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारियां हो जाती है, लड़कियों को ताकना, इधर उधर बहू बेटियों को गलत नज़र से देखना, तो ये सब उसके दिमाग में ज़्यादा होता है, तो उसको एक लुच्चा ही बोल सकते हैं कि एक लड़का हमेशा लड़कियों के ही ख्याल करे, हमेशा अपने आप में वही सोचे कि हाँ ये भी इससे भी मैं प्यार करूँ इससे भी मैं प्यार करूँ, पर ये लड़का एक अलग टाइप का लुच्चा है। और मैं चाहूँगा कि मैं सारा नहीं बताना चाह रहा यहाँ, जब आप फिल्म देखें ऑडियंस फिल्म देखें तो उनको लगे कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ मार्केट में आनी चाहिए थी। थैंक यू सर। इट्स ग्रेट टू बी हियर आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड एज यू कैन सी कि सारी फिल्मों के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं, बिकॉज वेर आई बेसिकली वर्क इज मराठी फिल्म इंडस्ट्री एंड मेरी एक फिल्म आ रही है 7 आवर्स टू गो हिंदी फिल्म है ऑन 27 मई एंड जिन्होंने मिक्की वायरस बनाई थी फिल्म वो डायरेक्टर हैं सौरभ वर्मा और प्रोडक्शन नहीं किया चुका अभी फिल्म आई थी लाल रंग। सो फिल्म आर डूइंग रियली वेल, जिनका कंटेंट वाइज जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छी कर रही हैं फिल्में, और जैसे मैंने कहा कि जो फिल्में प्रमोटेड अच्छी होती हैं पब्लिसाइज अच्छी होती हैं जो लोगों तक पहुंचती हैं वो डेफिनेटली रिकवर कर रही है पैसा। तो लुच्चा इज़ आई थिंक कंटेंट ड्रिवन फिल्म, मतलब आज की तारीख हम देख रहे हैं कि कई बार बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की फिल्में भी नहीं चलती, लेकिन छोटी फिल्में जो कंटेंट ड्रिवन होती है, जो कुछ कहना चाहती हैं समाज को, कुछ देना चाहती हैं, ऐसी फिल्में क्लिक हो रही हैं जो चल रही हैं। मतलब छोटी बजट की फिल्में बना के बड़े पैसे कमाना ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक ट्रेंड आ गया है। जैसे मैंने कहा कि भेजा फ्राई है, फिल्मिस्तान है, ऐसी काफ़ी सारी फिल्में हैं जो छोटी बजट में बनाई थी लेकिन वो बहुत बड़ा बिजनेस कर चुकी हैं। तो आई थिंक दैट्स द क्रक्स, स्मॉल कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स आर रियली डूइंग वेल। और आई थिंक लुच्चा जैसे विकास सर ने बताया कि बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, आज के यूथ को टारगेटेड है, टीन्स से यूथ, आज का जो यूथ है जो आज
समाज में घूम रहा है, नई नई चीज़ें देख रहा है, नए नए माध्यमों से जुड़ रहा है, तो ये इस यूथ पर फिल्म बेस्ड होना, बिकॉज यूथ एज यू नो कि बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा ऑडियंस है. आज हम देखते हैं कि कॉलेज के बाद, नौकरी के बाद, सैटरडे संडे फ्राइडे पीपल आर गोइंग आउट देयर एंड वॉचिंग फिल्म्स. सो आई थिंक लुच्चा विल बी अ रियली कंटेंट ड्रिवन फिल्म, दो पीपल आर न्यू, बट आज तक आई थिंक ऐसा कुछ रहा नहीं है. आज के नए लोग हैं तो पता नहीं, बिकॉज पीपल आर एक्सेप्टिंग पीपल. मतलब आज नए डायरेक्टर्स, नए एक्टर्स, नए प्रोड्यूसर्स सामने आ रहे हैं और कंटेंट ड्रिवन छोटी फिल्मों को लोग सराह रहे हैं, लोग भीड़ कर रहे हैं, टिकट लेके पिक्चर देख रहे हैं. तो आई थिंक पीपल आर एक्सेप्टिंग न्यू चेंजेस, न्यू पीपल, न्यू डायरेक्टर्स, न्यू एक्टर्स, और आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू बी इन द फिल्म इंडस्ट्री. जैसे मैं अभी कह रहा था कि मराठी में भी कुछ महीनों पहले दगड़ी चाल है, दुनियादारी है, या ऐसी फिल्में जो हैं. अभी सैराट अभी पिछले हफ्ते लगी है, सैराट इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल. इसका मेन रीज़न ये है कि इट्स प्रमोटेड वेल, इट्स मार्केटेड वेरी वेल. तो आई थिंक कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के साथ अगर उसकी मार्केटिंग एक हटके तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके की जाए तो वो डेफिनेटली चलती हैं. तो निशा इज़ अ वेरी इनिशियल स्टेज दैट वी हियर, बट देन निशा जी, राकेश जी, पुरलीन और विकास सर सब ने मिलकर काफ़ी मेहनत की है उस पर. तो डेफिनेटली ये फिल्म अच्छी बनेगी और जब वो अच्छी तरह मार्केट हो जाएगी तो डेफिनेटली लोगों तक पहुँचेगी. और जब पता चलेगा कि यार ये अलग है, कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, तो लोग डेफिनेटली इसको सराहेंगे. और आई होप कि जो नए जनरेशन नए पैटर्न्स को, नए फॉर्म्स को, नए सब्जेक्ट्स को अपना रही है, लुच्चा को भी डेफिनेटली गले लगाई और फिल्म को हिट करेगी. Seven has to go. Yeah.